सो हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड सचिव चापत। और आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे यार नेक्स्ट नाटक की जो टॉपिक है वो हमारे रह गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े टॉपिक्स है। अभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के नाटक के अंदर अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में यार, कौन कौन से ऐसे विजुअल प्रिंसिपल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसके बारे में एक एक करके समझते चलेंगे। और यहाँ पर आपको मैंने लिख रखा है कौन कौन से जिसके पार्ट्स है, और हर एक के मैं आपको एग्जांपल देते हुए समझाते चलेंगे, एग्जांपल देख के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है और किस एग्जांपल किस पिक्चर को देखकर अपन उसके एक लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है क्या, इट इज जनरल एक ग्रामर है कम्युनिकेशन लैंग्वेज की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, या फिर आप अपनी जो भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसके अंदर अपन एक दूसरे को समझ रहे हैं। जैसे यार अपने सामने कोई पिक्चर फॉर्म आ जाती है या फिर कोई इमेज आ जाती है तो उसको समझने के लिए हम कुछ लैंग्वेज चाहिए होती, वो लैंग्वेज क्या होती, बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। मान लो मेरे पास कोई पिक्चर है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि भाई वो पिक्चर या फिर कोई इमेज बैलेंस है या नहीं है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम उसके एक कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पिक्चर से और इमेज के द्वारा हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो ये एक एक करके भी समझते हुए चलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे यार, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अभी नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे और नाटक ने पहली बार ऐसे न्यू पैटर्न्स निकाले थे। फॉर एग्जांपल 30 सेकंड प्रॉब्लम्स, वैसे तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि कैसे क्या होते हैं, डिफरेंट प्लान्स एंड मॉन्यूमेंट्स और इंग्लिश कंप्रेशन पैसेजेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं और अच्छा खासा इनका वेटेज भी आया था, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से। नंबर वन आपको दिख रहा है बैलेंस। बैलेंस के अंदर वर्ड से ही पता चल रहा है हमको, बैलेंस बैलेंस मतलब हो गया सब चीज जिसके अंदर क्या हो, एक बैलेंस फॉर्म के अंदर हो। मान लो सबसे पहले बैलेंस के अंदर आता है, मैं बोलता हूँ सिमेट्रिकल। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। आपने सभी लोगों ने बचपन के अंदर बहुत सारे गेम खेले, एक आपने देखा होगा, एक होता है ना स्टोन्स, अपन क्या करते हैं स्टोन्स के ऊपर स्टोन रखते हैं, ऐसा 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 स्टोन, ऐसा स्टोन के ऊपर स्टोन रख के कोई बैलेंस कभी कभी अपने बचपन में बहुत ऐसा खेला, या फिर आप कभी सी साइड गए हो, मतलब कभी बीच पे गए हो तभी आपने ऐसा चीज देखे होंगे, या फिर कभी इमेज में देखते हैं मोबाइल वगैरह में कहीं भी सामने आ जाता है जहां पर मोटिवेशनल कोट लिखे होते हैं तो उनका बैकग्राउंड में जस्ट ऐसे इमेजेस होते हैं। तो ये बैलेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। पर यहाँ पर सिमेट्रिक है या यहाँ पर सिमेट्रिसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टोन तो हो सकता है ना, कोई बड़ा स्टोन हो कोई छोटा स्टोन हो कोई कैसा स्टोन होता है, ठीक है। तो ये एक एसिमेट्रिक बैलेंस का एग्जाम्पल जरूर हो सकता है। तो बैलेंस हमारे पास जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल आ रहा है उसको देखो। इसके अंदर मैंने बोला है कि बैलेंस यहाँ पर आपके एक टेम्पल का इमेज दे रखी है, जिस टेम्पल का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, त्रिवेंद्रम में लोकेटेड है। इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर बैलेंस्ड आर्किटेक्चर डिजाइन। इफ यू कंसिडर अ सेंटर लाइन और एक्सिस, द विजुअल वेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट एंड राइट पार्ट इन दिस इमेज आर सेम, दिस नॉन एज सिमेट्रिकल और फॉर्मल बैलेंस। यानी कि यार हम लोग ये चीज समझ रहे हैं, यानी कि आप पिक्चर से ये चीज क्लियर है कि आपके पास सिमेट्रिक क्या थी, जिसके अंदर अगर मैं एक लाइन खींच दू सेंटर में और उस लाइन के लेफ्ट और राइट के अंदर मुझे सेम चीज दिख रही हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैपिटल लेटर ए, मैं इसके एक लाइन खींच दू यानी इधर और इधर, मुझे लेफ्ट और राइट के अंदर कैपिटल ए या फिर लेटर या फिर ऐसी कोई इमेज जहां पर मुझे दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी दिख रही हो, इधर भी सेम एलिमेंट और इधर भी सेम एलिमेंट, एक वाइब अच्छी आ रही हो, एक अच्छी खासी वाइब क्रिएट हो रही हो, पहली साइट में ही मैं उस पिक्चर का एक लुक समझ जाऊं, जिसको हम बोलते क्या सिमेट्रिक सिटी। तो वो सिमेट्रिक क्या होगा, एक सिमेट्रिक बैलेंस बन जाता है, आप उसको बोल सकते हैं फॉर्मल बैलेंस भी बोलते हैं। एट द सेम टाइम एक और फोटो आपके स्क्रीन पर आ रही है वो देखो, ये एग्जाम्पल है किसका हमारे पास, एसिमेट्रिक बैलेंस का। इन दिस इमेज पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन आर नॉट आइडेंटिकल, इज नॉन एज एसिमेट्रिकल और इनफॉर्मल बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल या फिर इनफॉर्मल बैलेंस। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब आएगा था नंबर थर्ड, जिसको हम बोलते हैं रेडियल बैलेंस। अभी रेडियल बैलेंस क्या होता है, एक और स्क्रीन के ऊपर आपके पास इमेज आ रही है उसको देखो। रेडियल बैलेंस, द फिगर शोज दैट डिजाइन एलिमेंट्स इन दिस क्रिएशन इज रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर इज नॉन एज रेडियल बैलेंस। यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर एक सेंटर में से एक अलग से रेडियली आउटवर्ड एक एलिमेंट बाहर निकल रहा है, जिसके कारण हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सिमेट्री भी आ रही है, मतलब एक स्ट्रक्चर बैलेंस भी एक तरह का, तो हम इसको बोलेंगे क्या, रेडियली आउटवर्ड बैलेंस, तो बोलेंगे रेडियल बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके हमारे पास, बैलेंस के। यहां तक क्लियर है बैलेंस। अब बात करते हैं अगला है रिदम। अब रिदम का मतलब क्या होता है, रिदम हमारे पास दो तरह का होगा, रेगुलर और रैंडम। रिदम मतलब होता है कोई भी चीज हमारे पास रिपीटेडली आ रही हो किसी भी इमेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग देखी तो बिल्डिंग के अंदर भी विंडो 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 स्टार्टिंग में कोई लाइन से सीरीज में विंडो दिख रही है, एक इक्वल और रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर कोई चीज रिपीट हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, वहां पर रिदम क्रिएट हो रही है, रिदम की एक वाइब आ रही होती है रिदम की, ठीक है। अब रिदम दो तरीके हैं, सबसे पहले रेगुलर, रेगुलर जैसे मैंने बोला
रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर कोई चीज रिपीट हो रही है, चाहे विंडो हो सकती है, चाहे फिर या फिर कलर हो सकता है, वो लाइन हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज एलिमेंट, किसी भी इमेज का, किसी भी फिगर का लगातार सेम रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट हो रहा हो, उसको बोलेंगे क्या चीज हम, रेगुलर रिदम। अगर नेक्स्ट आता हमारे पास है रैंडम रिदम, आपके पास स्क्रीन के ऊपर लगातार आपके पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इसको देखते रहो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है कौन सा, रैंडम। रैंडम के अंदर बात करते हैं जिसके अंदर आपके पास इररेगुलरिटी के साथ, इररेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर वो चीज रिपीट हो रही हो, कोई आगे है, कोई पीछे, कोई छोटी कोई बड़ी, पर लेकिन हाँ रिपीटेशन जरूर हो रहा होगा वहां पर, उसको बोलेंगे अच्छी हम रिदम। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है, रिदम क्लियर, बैलेंस क्लियर है। अब बात करते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब जाना ना, ई से इम्फेसिस और ई से आई कैचिंग, ऐसी कोई चीज जो हमको आई कैचिंग लगती हो बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छे खासा एक व्यू, एक अच्छा खासा लुक निकल कर आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बात करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल आ रहा है, इसको ध्यान से देखो और बोल रहा हूँ जिसको समझने की कोशिश करो। इन ए कंपोजिशन अ कंपोनेंट अ पार्ट कॉन्शियसली क्रिएटेड टू अट्रैक्ट वन्स आईज और टू सेट द फोकल पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ विजुअल प्रिंसिपल इज नॉन एज एम्फेसिस। इट कैन बी एकम्प्लिश्ड थ्रू प्लेसमेंट, कलर, साइज, शेप एंड और यूज ऑफ लाइन्स। फिगर शोज द सीरीज ऑफ बिल्डिंग टेम्पल डोम इज डिफरेंट इन कलर स्ट्रक्चर एंड इज मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस पिक्चर। यानी कि इस पिक्चर से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी आपने देखा कि इस पिक्चर के अंदर हम और क्या दिख रहा था, एक लेक भी दिख रहा है, टेम्पल भी दिख रहा है, कुछ हमारे पास बहुत सारे हमारे पास हाउसेस भी दिख रहे हैं, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स भी दिख रही है, तो एक वो सब मिला के एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जो अच्छी खासी वाइब प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे कुछ चीज हमको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं आई कैचिंग जो होती है वो इम्फेसिस नाम की मतलब एक क्रिएट करता है। तो इम्फेसिस वहां पर विजुअल प्रिंसिपल प्रोड्यूस होता लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर, वो है प्रोपोर्शन एंड स्केल। प्रोपोर्शन एंड स्केल का सबसे बेस्ट एग्जांपल नाम से आपको पता चलता है प्रोपोर्शन, हाँ भाई कोई भी चीज प्रोपोर्शन में हो, कोई भी चीज स्केल के अंदर हो, वो क्या होगी, प्रोपोर्शन एंड स्केल करेगी। अब मान लो जैसे मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन का ये मार्कर है और ये ढक्कन है, अब ये जो आपके इसकी कैप है, अब ये कैप की अगर मैं साइज इतनी कर दू इतनी बड़ी पेन के बराबर, तो क्या प्रोपोर्शन में लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब लग रहा है कि हाँ कैप इतनी ही साइज होनी चाहिए, और अगर झुकेगी इसके अंदर इतना अगर फिट मार जाए, और यहाँ पर तो ये पेन इतना और एक कैप इतनी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है प्रोपोर्शन में स्केल में, तो हमको अच्छा लग रहा है। अगर मैं पेन को इतना सा कर दूं और कैप को इतनी बड़ी कर दूं, तो वो क्या अच्छा लगेगा, नहीं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल अपना शरीर, अपनी बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर यार ठीक है हमारे पास हेड वगैरह सब चीज है, ठीक है। अब हमारे पास जो हैंड्स है, अगर इस हैंड्स को अगर मैं इतना सा कर दूं, यहां तक कर दूं छोटा सा, मेरे शरीर के हिसाब से अगर मैं हैंड्स इतना सा कर दूं, तो क्या एक इमेजिन करो देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। या फिर इस मेरे हैंड्स को इतना लंबा कर दूं कि आपके कैमरे के सामने तक आ जाए, तो क्या अच्छा लगेगा। यानी कि हमारे यार भगवान ने जो बॉडी बनाई है उसके अंदर हाथ पैर सब एक प्रोपोर्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से बॉडी है उस हिसाब से हाइट की जो इसकी, इसकी जो हाइट है हैंड्स की वो बिल्कुल सही है, लेंथ बिल्कुल सही है, ठीक है, इसकी भी लेंथ बिल्कुल सही है, कोई छोटा है बड़ा नहीं है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, स्केल में। ऐसे जस्ट अप्लाई करो बिल्डिंग्स के अंदर, अगर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आप प्रोपोर्शन और स्केल यही समझने के लिए काम आ रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर है नहीं वो चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर भी एक एग्जाम्पल आ रखा होगा, इसके अंदर समझने की कोशिश करो कि प्रोपोर्शन और स्केल क्या होता है, इसमें कैसे क्या लग रहा होगा, ठीक है। आपको देखने से पता चल रहा है कि हर चीज क्या है कि यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, स्केल में, फिक्स्ड रेशियो के अंदर हम चीजों को पहले ही देख के समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास यार, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है मूवमेंट। अब यार मूवमेंट क्या होता है जो समझो, मूवमेंट का मतलब होता है कि दिस विजुअल प्रिंसिपल इन अ कंपोजिशन मेक्स फीलिंग लाइक फ्लो और एन एक्शन। यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये पिक्चर आ रही है, इसके अंदर आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ये स्टेच्यू है, जो भी एक चीज है, इसकी अपने आप में एक एक्शन के अंदर, या फिर एक एक्शन करने वाला, या फिर एक फ्लो के अंदर है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो हमको लगता है वो एक्शन के अंदर हो रहा है, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ चीज लग रही है, कोई एक्शन या फिर कुछ फ्लो के अंदर, ठीक है। तो आप एग्जांपल से देख समझ पा रहे होंगे, तो इस ऐसे के अंदर क्या लगता है हमारे पास, मूवमेंट। मतलब एक वो मूवमेंट के अंदर एक वो शायद वो मूवमेंट हो सकता है, वो फिल्म या फिर मतलब कोई भी चीज, वो पिक्चर इमेज मूवमेंट के अंदर हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मूवमेंट प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर लगता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी। यूनिटी नाम से पता चल रहा है यूनिटी, हमारे अंदर यूनिटी, यार मेरी यूनिटी जैसे आप सब लोग हो, आप हो तो मैं हूं यार, क्योंकि यार हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये यूनिटी मतलब होता है कि यार जहां पर हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। बचपन के अंदर हमने यार बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी जहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, अगर सिंगल लकड़ी टुकड़ी होती है तो हम वो जल्दी से कोई भी उसको मिलकर तोड़ सकता है, एक सिंगल होती, पर लेकिन वो 10 से 12 एक साथ अगर बहुत सारी लकड़ियां हो, उसका अगर एक पूरा बंडल बना दिया जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसी सेम चीज होती है यूनिटी के अंदर, कोई भी चीज एक साथ होती है, बहुत सारी कुछ चीज होती है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मेरे स्क्रीन के ऊपर एक फोटो लगा रही है, इसके अंदर देखो यूनिटी मतलब हो रहा है, यहाँ पर छोटी 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 बहुत सारी विंडोज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर छोटे 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 एलिमेंट्स को भी बिल्डिंग के अंदर, तो अपने आप में एक रिपीटेशन तो हो ही रहा है, वहां रिपीटेशन तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लेकिन अपने आप में एक यूनिटी भी क्रिएट कर रही होंगी वो, ठीक है। तो यार ये चीज होती है यूनिटी का एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स यार यहां तक आपको क्लियर है कि सारे हमारे पास जितने भी मेन मेन जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते हैं यहाँ पर बता रहे हैं।
अब सुनो यार, कोई भी चीज अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया हमारे को इसके लिए थोड़े एग्जांपल भी मिल जाते तो अच्छा रहता, तो यार टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ सब चीज आपको प्रोवाइड की। यार मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है या फिर इनके अलावा और अगर छोटे मोटे एक दो और मेरे को मिल जाते हैं बाद में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इनके ऊपर जो भी मैंने आपको होगा एक एग्जांपल्स के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जिसके अंदर आपको हर एक के मैंने एग्जांपल्स दे रखे इमेजेस के अंदर, या फिर बिल्डिंग्स की इमेजेस हो सकती है या फिर बिल्डिंग्स के अलावा कोई भी चीज अदर एग्जांपल्स है, तो उसको आप देख के समझ सकते हो कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इसमें क्या बोल रहा है या फिर कैसा लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नीचे मिल जाएगा, कुछ एग्जांपल्स है हर एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर बेस्ड है एग्जांपल, ठीक है। तो आप जरूर वो लिस्ट को जाकर एक बार आपको चेक कर लेनी है, एक बार देख लेना। उसके अलावा अपने जो सराउंडिंग के अंदर भी यार देखने की कोशिश करो, विजुलाइज करो। मैंने आपको पहले ही बोल चुका था नाटक के अंदर एप्टीट्यूड पार्ट यही होगा, ऑल अबाउट इज विजुअलाइजेशन, कैसे हम अपनी चीज आर पार चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। याद है ना, अभी एग्जांपल आया था मैंने कलर थ्योरी के अंदर पढ़ा था गूगल वाला, जिसके अंदर हम डेली मतलब गूगल जैसी चीजों को काम में ले रहे हैं, पर लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गूगल का जो वर्ड के लेटर्स में कलर्स कौन 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 से है। तो यार मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर कुछ भी, ठीक है। तो विजुअलाइज करो, ढंग से चीजों को ऑब्जर्व करना सीख लो, अपने सराउंडिंग से ही जो है डेली लाइफ में जो हम यूज ले रहे हैं चीज है, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेशनल लोगोज हुए, यहाँ पर लोगोज के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कोई लोगोज होते हैं इंटरनेशनल लोगोज या फिर बड़े बड़े जैसे गूगल का ही मान लो सेम, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई भी हो गया फरारी हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी बीएमडब्ल्यू हो गया, ऑडी वगैरह जितने भी लोगोज होते हैं उनके कलर में क्या होता है डिफरेंस, ठीक है, कलर कौन सा कहाँ होता है, मतलब सब चीज हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज मतलब जो हम डेली लाइफ में जो देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हुआ सिर्फ कुछ यहाँ पर। अब बात यार नेक्स्ट एक टॉपिक आता है छोटा सा, वो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। फिर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको सुनो। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है यार ऐसी कोई चीज, मैंने आपके भी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर अभी लगाऊंगा एग्जांपल के लिए, पहले सुनो, ऐसी कोई चीज यार जो कि नेचर से इंस्पायर्ड होकर उस चीज को बनाई गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा हनीकॉम, हनीकॉम आपने देखा होगा, मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके पास फोटो लगा दी है। देखो इस हनीकॉम के अंदर क्या होगा ना, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इससे एक इंस्पायर्ड होकर एक इस फॉर्म की बिल्डिंग बना सकता हूँ जो आपके पास में दिख रही होगी, इसके अंदर एक शेप ले सकता हूँ, हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, आसपास बहुत सारे हेक्सागन। तो ये बोलते हैं मतलब एक नेचर से इंस्पायर्ड होकर ये बिल्डिंग को बना दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज आ रही है। या फिर फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हमारे पास वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, इसको भी अगर बात करूं तो ये पास में आपको दिख रहा होगा एक नेचर से ही इंस्पायर्ड है, किसी ना किसी फॉर्म से ही देख के इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप वाइज आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या होगी इसकी। तो यार मतलब कोई भी चीज, मतलब अधिकतर मैं नहीं बोलता सारी चीज, मतलब कोई भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं ना, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट हर चीजों को अधिकतर मतलब 50% से ज्यादा चीजों को नेचर से इंस्पायर्ड होकर ही बनाते हैं। मतलब नेचर हो या फिर अपने डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें हम यूज में ले रहे हैं उनसे ही इंस्पायर्ड होकर वो चीज फॉर्म बना देते हैं, और उससे भी क्या बिल्डिंग की एक स्टाइल बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के रूप में एक चीज देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है ग्राफिक्स। ये टॉपिक इतना ज्यादा भी कोर्स में नहीं है क्योंकि आपको पता होगा नाटक के अंदर ड्राइंग हटा दी गई है, तो यार ये एक्चुअली में ड्राइंग का पार्ट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक्चुअली में क्या करते हैं, हमारे पास जो आर्किटेक्चर के अंदर अभी आप कॉलेज के अंदर जाओगे फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट आता है कौन सा, ग्राफिक्स। इस ग्राफिक्स के अंदर आपको एक मिलता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्या होता है सुनो। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे आपके अंदर ड्रॉइंग है नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसा कि कोई चीज मान लो मेरे पास ये कोई एक क्यूब है, ठीक है। अब लेट्स से ये क्यूब का मेरे को फ्रंट साइड दिख रहा है, ठीक है, ये क्यूब है, ये देखो ये क्यूब है ये चीज, ठीक है। अब मेरे को ये इसका फ्रंट साइड दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला फ्रंट साइड, ये एफ और ये कौन सा, ये एफ, ठीक है। अब मेरे को, मैं चाहता हूँ ये वाला साइड जो इस तरफ ये मेरे को ये वाला दिखना है, ये वाला कैसे देखा जा सकता है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा अपन को इस साइड के लिए इसको लेना पड़ेगा प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, लेट्स अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख देता हूँ, मिरर यहाँ पर एक मिरर रख देता हूँ 45 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर अगर मैं एक मिरर रख देता हूँ, उसके बाद लेता हूँ इसका प्रोजेक्शन, तो क्या ये लाइन यहाँ जाएगी और ये लेंस कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद ये लेंस वापस यहाँ जाएगी और ये लेंस कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। मतलब इसके इलेक्ट्रिक यहाँ होगी और फिर ये मतलब ये रेज होगी, रेस ये रेस मिरर पे टकरा के ऊपर जाएगी और ये रेस मिरर पे टकरा के ऊपर जाएगी और ऊपर की तरफ जो इमेज बनेगी ये ऐसा कुछ, ये इमेज यहाँ पे, ये इमेज क्या होगी इसकी, ये वाली इमेज होगी, इस साइड वाली इमेज होगी। ऐसा करके अगर मैं इस साइड वाली बनाऊंगा तो यहाँ पर एक लगा दूंगा तो ये चीज होगी ऊपर जाएगी, ये चीज होगी ऊपर जाएगी, वापस ये चीज होगी यहाँ पे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मतलब किसी भी हम रेस बाकी ऊपर की तो सेंटर से आ जाएगी, ठीक है, और नीचे के लिए तो डायरेक्ट आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आ रही नहीं। तो मतलब साइड वाली इमेजेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिरर जैसे का यूज कर सकते हैं, उस पर अपने प्रोजेक्शन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज हम, ग्राफिक्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऐसा करके आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी आर्किटेक्चर के अंदर पूरा सब्जेक्ट जैसे मैं बोला था इसके अंदर पूरा डिटेल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, 3D फिगर्स वगैरह वगैरह वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो बस छोटा मोटा सी बता रहा हूं आपको एक नॉलेज के लिए, पता होना चाहिए, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारे पास टॉपिक हुआ खत्म,
अब बात करते हैं हमारा कौन सा इसके बारे में, 30 सेकंड प्रॉब्लम्स वगैरह इनके बारे में बात करते हैं। इसके कैसे क्वेश्चन आए थे अगर हम डायरेक्ट इसको समझने के लिए, अभी जो नाटक के अंदर अभी जो हमारे क्वेश्चन आया था नाटक में, नाटक के अंदर आपसे जो क्वेश्चन आया था अभी 10 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जिसके अंदर देखो 30 सेकंड क्वेश्चन कैसा था, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रखा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा मतलब कि 30 सेकंड के अंदर आपको क्या बोल रखा, एक गार्डन दिखा रखा, एक गार्डन के अंदर बहुत सारे कुछ है, मतलब जवान बच्चे बूढ़े सब है, उसमें चेयर्स भी है, मतलब बहुत सारे सीनरी ट्रीज वगैरह भी है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई घूम रहा है, ठीक है। अब देखो मतलब 30 सेकंड के अंदर एक्चुअली में क्या ना, नाटा वाले ने मैंने बोला था नाटा वाले जैसे मैच के अंदर भी गेम खेला, ठीक है। अभी जो मैच जो दी थी इस साल वो क्या करी थी, अपन को बेसिक मैच दे दी थी, बाकी पिछले साल जो दे रहा था वो क्या दे रहा था, 11-12 के स्टैंडर्ड मैच ज्यादा दे रहा था और बेसिक मैच कम दे रहा था, पर लेकिन इस साल तो ओनली बेसिक मैच के ऊपर फोकस किया, तो हमारे को पता नहीं यार नाटा क्या कर सकते, नाटा कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मतलब ये समझ लो हमको सब तरफ से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब यार 30 सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई थी, क्यों आई थी प्रॉब्लम, क्योंकि यार आपको क्या किया था, एक इमेज अभी मैंने जो इमेज दिखाई ना वो इमेज आपको दे दी थी नाटा ने, ठीक है, उसको बोला था कि भैया इस इमेज को आप 30 सेकंड के लिए देखो, जो भी इमेज आपको बोला जो भी चीज थी उसमें, एक गार्डन था जो भी चीज आपको दिख रही थी उस इमेज के अंदर, कितनी सारी चीजें थी यार बताओ, आप उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे, और उसने लास्ट में क्या करा था, 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, पर लेकिन अगर ये अच्छा होता अगर वो पहले क्वेश्चन पूछ लेता, उसने क्या किया उसने पहले इमेज दिखाई थी, अब इमेज देखने के बाद कौन इतना ध्यान रखेगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, अब मैं हर चीज को काउंट करूंगा, उसको कलर देखूंगा, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता, दो अब ऐसे क्वेश्चन अभी जो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कत आ गई थी बच्चों को, 30 सेकंड के अंदर जब वो इमेज सामने आई तो उनको 10 सेकंड तो समझने ही लग गए कि इमेज क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। उसके बाद जब उनको ढंग से समझा कर होते मतलब 30 सेकंड निकल ही गए, क्योंकि 30 सेकंड निकलने में टाइम कितना लगता है, बहुत कम टाइम निकलता, मतलब बहुत कम टाइम निकलता है, मतलब कुछ ऐसा लगता है पेन उठाया रखा कुछ लगे स्टार्ट होते मतलब 30 सेकंड निकल जाते हैं, उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन बचता है वो क्या, तुक्का लगाओ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये 30 सेकंड के अंदर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ी विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन हमको थोड़ी बढ़ानी होगी, हमको थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, इसके लिए यही होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है 30 सेकंड के स्क्रीन पे आता है उसको जल्दी से देखो, और मैं तो ये बोलूंगा इसमें एडवाइस दूंगा आपको कि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो इसके अंदर जो भी गार्डन वाला आया था इसमें आपको क्वेश्चन कौन से पूछे थे कि नंबर ऑफ बेंचेस बता दो कितनी है, आपके फोटो में नंबर ऑफ बेंचेस आ रही थी तो नंबर ऑफ बेंच कितनी बता दो, या फिर नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेन कितने, नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन और पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि एक क्वेश्चन 15 सेकंड की अगर बात करूं तो वैसे हमको तो पहले 30 सेकंड तक पूरी पिक्चर देखनी होगी ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा विजुअलाइजेशन थोड़ी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यार हमारी जो पावर जो है कैपेबिलिटी थोड़ी सी उसको तेज हो जाए, ताकि यार हम चीजों को मतलब जल्दी से ऑब्जर्व कर पाए, जल्दी से लिख पाए, समझ के बोलने का तो समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होना है, सबसे पहले आपको जो चीज दिख रही हो ना उसको पहले देख के लिख लो कि भाई हाँ ठीक है मेरे को ये चीज दिख रही है नंबर ऑफ इतने, सबसे पहले आप क्या करो चीजों को काउंट कर लो, ठीक है, मतलब जो चीज आपको बड़ी बड़ी दिख रही है या फिर जैसे नंबर ऑफ ट्रीज आ गए तो नंबर ऑफ ट्री को जल्दी से काउंट करो और लिख लो, मतलब जो भी चीज आपको दे रखी है तो उन चीजों को क्या करो लिख लो ढंग से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है या लिखना या फिर ढंग से ऑब्जर्व करना प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं देख रहा हूं अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या एक्चुअली में कहीं मिल भी नहीं रहे क्योंकि नाटा ने फर्स्ट टाइम ही ये चीज की यहाँ पर, ठीक है, एकदम न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं मिल भी नहीं रहे, खैर अगर मेरे को मिल जाता होगा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर दे दूंगा नीचे पीडीएफ के फॉर्म के अंदर, और नहीं मिलता तो भी आपको 2 से 3 दिन के आगे आने वाली वीडियोस के अंदर दे दूंगा, ठीक है, अगर इस वीडियो में नहीं मिलता तो, ठीक है। बाकी यार इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरत रिक्वायर नहीं होगी, मतलब आप स्पीड बढ़ाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दूसरे टॉपिक से भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर स्पीड चाहिए होगी, जरूरी नहीं होगी आप 30 सेकंड वाले क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करके उन्हीं को ही करो सॉल्व, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, इनके लिए स्पीड और ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है जो आपके किसी भी क्वेश्चन से आ सकती है, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन हो सकता है नाटा अब इस बार ऐसे वाले क्वेश्चन दे ही ना, ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसके पीछे इतनी प्रैक्टिस कर ले कि नाटा ने इस वाले क्वेश्चन को मान लो देना ही छोड़ दिया, अब अगले वाले पेपर के अंदर कुछ अलग पैटर्न आ गया, तो हमको सब तरफ से प्रिपेयर होने के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर फिक्स आ जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम हर तरह की चीजों के लिए हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक ऑब्जर्वेशन इसके लिए हमारी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन को करने की स्पीड बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, 30 सेकंड के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अलावा आपको यार मेरे अभी 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे, अच्छा खासा वेटेज था इसके ऊपर, ठीक है, अच्छा खासा पैटर्न था और अच्छा खासा वेटेज भी था, तो इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा जिसके अंदर नाटा का पेपर 1 अपन डिस्कस कर लेंगे पूरा, अभी जो आया था 10 अप्रैल को उसका पूरा पेपर 1 अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है।
एक पेपर का डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो रख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला हमारे पास जो है डिफरेंट, ये 3D वाला हो गया, 30 ये वाला डिफरेंट प्लांट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। इसके अंदर सेम चीज देखो, अब डिफरेंट प्लांट्स एंड मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी दिक्कत है, 99% बच्चों ने ये चीज क्वेश्चन आए नहीं स्टूडेंट्स को, दिखती सी बात आएगा भी नहीं होगी। उन्होंने जो पूछा था ना मॉन्यूमेंट्स, यार एक कोई दे दिया प्लान, पता नहीं कैसा कुछ प्लान दे रखा था, पता नहीं ऐसा कुछ ऐसा पता नहीं कौन सा प्लान दे रखा था, और यहाँ पर पता नहीं क्या था, और ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ प्लान दे रखा था और बीच में था और ऐसा कुछ पता नहीं, मतलब अजीब सा कुछ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान के अंदर आपको क्या करना होता है ना, सिंपल यार, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे वाले प्लांट्स के अंदर आप प्लान के ऊपर मत जाओ। मतलब मान लो ये कोई सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा, ठीक है, पता नहीं उसने कहाँ का दिया था, कहीं बाहर के भी आए थे आउट ऑफ इंडिया के, तो यार अपन एक स्टूडेंट्स कितना पड़ेगा, कितना आउट ऑफ इंडिया के कितने स्टूडेंट्स को कितने मॉन्यूमेंट्स को लेगा, कितनों को स्टडी करेगा और कितने को प्लान देखेगा, क्योंकि ये सब प्लान्स के ऊपर थे। और इसके अंदर आपको पूछा गया था भी इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसा करो कि आप जितने भी इसके जो अलग अलग इस प्लान के जितने भी अलग अलग जो है ना हमारे पास लेबलिंग, वो लेबलिंग पढ़ लो, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गोल होता है सर्कल, इसको जो होता है गोल ऊपर, सेमी सर्कल जो हमारे पास ऊपर जो होता है छत होती है, इसको बोलते हैं डोम, ठीक है। और हमारे पास होता है ना पिलर टाइप, इसको बोलते हैं कॉलोनॉइड्स। तो डोम कॉलोनॉइड्स क्या होता है वगैरह वगैरह, जो भी चीज होती है ना इसमें टर्म्स, स्पेशल टर्म्स जो भी मॉन्यूमेंट्स के अंदर है, ठीक है, वो सबको टर्म्स पढ़ लो और उन टर्म्स के फोटोज देख लो, इमेजेस, कि वो इमेजेस कैसी दिखती है। सबसे बेस्ट ट्रिक है इसकी और सॉल्व करने का तरीका इसका, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले मैं बोला कॉलोनाइट्स कैसा होता है, कॉलोनाइट्स तो भाई हाँ ठीक है, एक वो एक यहाँ पर रूफ जा रही होती है, ठीक है, और एक रूफ के अंदर क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे कॉलम इस टाइप से लगे होते हैं। तो यार इस कॉलम को क्या बोलते हैं अपन, इसको कॉलोनाइट्स ऐसा कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टर्म्स होती है, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग टर्म्स हम क्या करें देख लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी टर्म्स हो सकती है मॉन्यूमेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनमें क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ, मतलब लेक जो होती है बाथ, ठीक है, तो बाथ के ऊपर प्लान कैसे अगर देखते हैं तो वो कैसा दिख रहा होता है, या फिर कोई भी चीजें मतलब कोई भी रूफ टाइप होती है या फिर कोई भी स्टाइल होती है वो ऊपर से देख रहे हो तो कैसे दिख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सीधे प्लान के ऊपर आएंगे तो हमको हर चीज ऊपर से देखनी होगी। तो हर टर्म्स ऊपर से कैसी फोटोज उनकी दिख रही है, तो अगर ये चीजें पता कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये चीज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं पीटीक्यू टाइप। पीटीक्यू मतलब होता है प्रिफरेंशियल, मतलब होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपने अगर एक से लगा लिया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, दो से लगा लिया तो दो नंबर मिल जाएंगे, तीन से लगा लिया तो तीन मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, चार मार्क्स का नहीं होगा, तीन मार्क्स का होता है हाईएस्ट। यानी कि एक ये चीज आने पता कर लो कि एक क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा तीन ऑप्शन ही हो सकते हैं। अभी जो कहकर देखो दे रखे कितने के लगे, सात आपको ऑप्शन दे रखे, अब सेवन ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन ही करेक्ट है, जिसने एक सही लगाया उसको एक मार्क्स, दो लगाए दो मार्क्स, जिसने तीन लगाया उसको तीन मार्क्स, पर जिसने एक भी गलत लगा दिया फिर उसको क्या होगा, वो वहां पर मार्क्स उसको नहीं मिलने वाले, भले वो सही भी हो, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना होगा, इसलिए तो हमको सोचा हूँ कि हर एक टर्म्स का अगर हम फोटोज देख ले, उसकी एक इमेज देख ले, तो हमको आइडिया हो जाएगी कि हाँ भाई कोई सा भी प्लान दे दो, अब बस हमको एक उस टाइप की इमेज वहां पर देखने को मिल गई तो हम उसका आंसर वो लगा सकते हैं। ये एक इसका तरीका अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की यहाँ पर कुछ आपके टर्म्स की इमेज नीचे दे दूं, ठीक है, अगर मुझे जितनी भी मिलेगी उतनी मैं आपको नीचे पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, जितनी भी मेरे को मिलती जितने भी चीजों का इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है उनके टर्म्स का, इमेज का, उनका प्लान जो भी इमेज है वो मेरे को मिलती तो आपको नीचे दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे जितने इसके अंदर यही होगा यहाँ पर, ये अलग अलग पैटर्न से नाटक के ऊपर कोई भरोसा नहीं ना, वो अगले टाइम किसी भी पैटर्न का नया क्वेश्चन निकाल दे तो हम किस किस का कितना बार देखेंगे। तो ज्यादा मुझे लगता है कि हम अपने जो मेन स्टैंडर्ड जो चीजें वही करें, जो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगला पैटर्न कोई सा और अलग सा आ सकता है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम दे देंगे, पता चला ये पैटर्न आया या नहीं, कोई दूसरा पैटर्न निकल कर आ गया तो हम एक पैटर्न के ऊपर स्टिक नहीं होना है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि एक के ऊपर स्टिक मत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहो, वो चीज करते रहो, वो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश कंप्रिहेंशन पैसेज। अब ये चीज तो यार इसके लिए तो क्या ही बोले अपने, नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ मतलब बचपन से करते आ रहे हैं पेपर, जब इंग्लिश का पेपर खोलते थे ना स्कूल के अंदर आपने दिया होगा बहुत सारे एग्जाम, बोर्ड प्री बोर्ड बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे आपने, ठीक है। जैसे पेपर खोला पहले क्या होता, पैसेज पढ़ो क्वेश्चंस के आंसर, यही होता था ना, मतलब पहले खोलते ही पैसेज आता था और भाई देख के खुश हो जाते थे, भाई ये तो फ्री के मार्क्स है। यहाँ भी वही होता है यार, यहाँ भी कहना इंग्लिश के आपको पैसेज दे रखे होते हैं, सिंपल मैंने आपको फोटो लगा रखा है देख लो, पैसेज दे रखे होते हैं, फिर आपको पैसेज पढ़ना होता है, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अच्छा यहाँ पर करने का सोल्व करने का एक तरीका और होता है, सुनो एक तरीका क्या, यहाँ पर एक सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आते हैं पैसेज को पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डबल मेहनत हो जाती है। आपको पता होगा, किसी किसी को पता होगा चीज, पहले आने का करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, पहले क्या करो आप क्वेश्चंस पढ़ो, मान लो क्वेश्चन मेरे को दे रखे तीन क्वेश्चन पूछ रखे, पहले तीनों क्वेश्चन को पढ़ लो,
उसके बाद पैसेज के ऊपर जाओ। पहले पैसेज के ऊपर कभी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता हो तो बता दो, पहले पैसेज कभी मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज के ऊपर पढ़ने जाओ। क्योंकि जैसे ही आप पैसेज को पढ़ने लगोगे ना, क्वेश्चन का आपको याद होगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कुछ कुछ वर्ड तो याद हो जाएंगे। जैसे ही पैसेज के ऊपर जाओगे तो आपको वर्ड जैसे दिखेगा आपको पता चल जाएगा हाँ ये वाला उसने पूछा था, मतलब यहाँ पर कहीं आंसर है। तो पहले उसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन तो क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में होगा ऑनलाइन, पर मतलब पता रखो कि ये चीज है, तो जल्दी से पहले आंसर मिल जाएगा आपको, यानी कि पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने आधा खत्म किया और आधे के अंदर ही मेरे को सबके आंसर मिल गए, तो भाई मैं बात का क्यों पढ़ूं, सबसे बेस्ट है ना। नहीं तो यार कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले वो उसको क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले पैसेज पढ़ते थे, पैसेज पूरा पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार ये कहां था, फिर वापस पढ़ते उसको ढूंढने के लिए क्वेश्चन को। वो नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट, उसके बाद पढ़ो, एक स्टेप में ही आंसर निकलते जाएंगे फटाफट फटाफट, ठीक है। बहुतों को ये चीज पता होगी, जिसको नहीं होगी, नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको इस इन टाइप वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इनका भी अच्छा खासा वेटेज था, जैसा आपको पता होगा बहुत अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर, कंप्रेशन टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छे और बहुत वेटेज था, मतलब इसके भी 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इसके भी थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज इसका भी था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था यार, अब तक हमने कंप्लीट किया सब कुछ, यहाँ पर बात किया, डिस्कशन किया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ हमारे को बताओगे कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करें, कैसे टैकल करें, तो समझ गए होंगे कि आप चीजों को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है। ये भी इनका अच्छा खासा वेटेज होता है, इनके तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ये कोई न्यू पैटर्न नहीं है, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन मेरे से पॉसिबल हो सके मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन हो जाए, इमेज हो, कुछ भी हो, ठीक है। और ये तो खैर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो चीज है ये न्यू पैटर्न के स्टेप से जो हमको डायरेक्ट चिपकना नहीं, इनके ऊपर स्टिक नहीं होना है, ठीक है, ट्राई कर लेना है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा इनके अंदर घुस नहीं जाना है, ठीक है। बाकी यार हम अलग अलग चीजों को ट्राई करें, ऑब्जर्व करें चीजों को और सराउंडिंग में चीजों को विजुलाइज करें, और अगले पैटर्न के लिए रेडी रहें, जो भी पैटर्न हमारे पास आएगा उसको करेंगे और क्रैक करेंगे, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स अगले वजह नहीं यार, जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, क्योंकि अगले टॉपर तुम बनोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।